अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं वेब चैनल मीडिया नेटवर्क न्यूज़ के प्रोग्राम हम और आम में। आज हम आपकी मुलाकात स्टेज की एक ऐसी अदाकारा से करवाते हैं जो एक बड़े टॉप पे हैं, ख़ास तौर पर मुल्तान स्टेज की वो एक ज़रूरत समझा जाता है। तो मिलते हैं राहिला मलक से। जी राहिला जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राहिला जी, ये बताइएगा अदाकारी की तरफ आप शौकिया आई या हादसाती तौर पे इस तरफ आप आ गई हैं? जी मैं इस फील्ड में शौक से आई। अच्छा अच्छा, तो मजबूरी की वजह से नहीं आई। अच्छा, शौक की वजह से। आपसे पहले आपकी बड़ी बहन भी गालबन काम कर रही थी, क्या उनसे मुतासर होकर तो नहीं इस तरफ आप कदम रखा? इस तरफ नहीं, जो मेरी बड़ी बहन है वो मुझसे बाद में आई है। अच्छा, जो क्या नाम उनका? निताशा मलक है, सही है। तो आप पहले आई, वो आपके बाद में आई? जी वो बाद में आई। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, स्टेज अदाकारा के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत अच्छी डांसर का होना बड़ा ज़रूरी है जी। तो क्या आप इसको इसकी क्या बकायदा आने से कबल इसकी बकायदा एक प्रॉपर रिहर्सलें की या दौरान काम करते हुए सीखती भी गई? बस जैसे जैसे काम करते गए, देखने में एक दूसरे को देख के खुद ब खुद बस करती गई और सीखती गई, किसी से मतलब रिहर्सल नहीं ली मैंने। अच्छा अच्छा, दूसरे ये तालीम वगैरह कहाँ तक हासिल की? पढ़ी मैट्रिक जी। तो दौरान तालीम को अदाकारी की तरफ आने के लिए उसको दरमियान में छोड़ना पड़ा या उसको बिल्कुल ही खैर बात कह दिया था? नहीं, उस टाइम तालीम छोड़ चुकी थी मैं। अच्छा, तो क्या खुद ब खुद छोड़ी या मतलब दौरान काम की मसरूफियात की वजह से? ये वैसे आपको मैं बताऊँ कि बचपन से ना मुझे शौक था, मतलब किसी मतलब हमारे रिलेटिव हैं उनकी शादी है जी, जी। उधर भी मैंने खुद ब खुद ही डांस करने लग जाना, शुरू से ही मतलब डांस का मुझे लगाव ज़्यादा था। अच्छा, तो इसलिए तालीम भी छोड़ी। और आपको ये बताऊँ कि घर वालों से मैं लड़ पड़ी थी कि मैंने ये इस शोबिज में आना है। तो दौरान आप वो डांस वांस कर रही थी तो आपको किसी ने मशवरा दिया जी आप तो अच्छा डांस करती हैं, आप इस तरफ चली जाएँ शोबिज की फील्ड में, तो क्या ऐसा भी हुआ या अपनी मर्जी से इधर आई? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई थी। अच्छा ये बताइए, आप दौरान काम करती स्टेज पे बेशुमार आर्टिस्टें हीरोइनें होती हैं, तो इस दौरान तो आपके साथ कोई आर्टिस्टें ख़ास तौर पे कोई अदाकाराएँ कोई अच्छा सलूक करती हैं या आपको जेलस बने में आपके मुखालिफ भी चलती हैं? ये तो फिर हमारी फील्ड ऐसी है, फिर जेलिस तो होते रहते हैं एक दूसरे से सभी। अच्छा हाँ जी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। तो इसका आपको अंदाज़ा होता है कोई मेरे मुखालिफ भी चल रहा है? अंदाज़ा तो होता है लेकिन मैं नाम तो नहीं ले सकती ना। नहीं नाम क्यों? अच्छा होता तो है ना। तो साजिशें वगैरह तो ऐसी होती रहती हैं जैसे भी, ये हमारी फील्ड ऐसी है ना। अच्छा ये बताइए, आप इस वक्त क्या ये समझती हैं कि आप एक बहुत अच्छी डांसर बन चुकी हैं स्टेज के हवाले से? नहीं अभी मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा अभी सीखने के मराहल में चल रही हैं। सही है। अच्छा स्टेज पे परफॉर्मेंस के दौरान आप ख़ास तौर पर किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखती हैं? कोई अच्छा ड्रेस होना चाहिए या गाना बड़ा अच्छा होना चाहिए जिससे एक पब्लिक की तवज्जो हासिल कर सकें? गाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा उस पर उसके जो वो गाना आप किसी नए ड्रामे में, तो क्या उसकी बकायदा कोई रिहर्सल वगैरह भी उससे पहले करती हैं? कभी कभार मैं मतलब घर में एक दो बार रिहर्सल कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा ऐसे ही मतलब सुना और कर लिया। अच्छा आर्टिस्ट के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, मेकअप अच्छा कर लेना, ड्रेस अच्छा पहन लेना, या मतलब कोई इसमें से कौन सी चीज़ को ज़्यादा आप अहमियत देती हैं? ये तो फिर मेकअप भी अच्छा होना चाहिए, ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, डांस भी अच्छा होना चाहिए, आपकी डायलॉग जो होते हैं हमने बोलने होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो शादी की जी, तो बच्चे वगैरह? जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये बताइएगा शोबिज की लड़की ख़ास तौर पर एक अदाकारा के लिए शादी पे के बाद काम करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो इसमें मियाँ बीवी में कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा तो ऐसा नहीं? कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कंप्रोमाइज ऐसी कोई नहीं, ऐसी नहीं, बात नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है तो जेलसपना बड़ा शुरू हो जाता है। सही होगा। तो मज़ीद क्या अब आप ये शादी आपकी सही लाइफ चल रही तो कभी कोई डिस्टर्ब की जैसे काम ये छोड़ तो नहीं देंगी या जारी रखेंगी? कोई ऐसा मसला नहीं है मियाँ? अभी तो फिलहाल जारी है, अभी तो छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। अच्छा कोई ऐसा कभी मियाँ ने कभी कोई रुकावट नहीं डाली? कोई नहीं, नहीं कोई करें कोई बात नहीं। अच्छा मुल्तान से बाहर भी स्टेज ड्रामों में काम किया आपने?
हाँ जी, एक कराची शहर है जिधर मैंने काम नहीं किया, बाकी हर शहर में काम कर चुकी हूँ। अच्छा, इन सब शहरों में आपको कौन सा स्टेज ऑडियंस के हवाले से कौन सा शहर अच्छा लगा? मुल्तान ही अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे अच्छा। तो ये बताइएगा, आपकी जो आम लाइफ है शोबिज़ के हट के, तो उसमें आप किस तबीयत की मालिक हैं? उसमें ज़्यादा गुस्सा करना, शोकशी रहना, या चुप चुप ऐसा रहना? बस हमारा यही होता है कि इधर से जाना है, हमने घर वालों से थोड़ी देर गपशप हो गई, टाइम दे दिए घर वालों को, फिर सो गए, सो के उठे, फिर बस यही तैयारी इधर की और थिएटर आ गई, बस यही है। तो कभी घर वाले ये नहीं कहते ये क्या काम आपने पड़ा हुआ का हमारे पास बैठने का, कभी शादी खुशी का कभी मौका नहीं दिया, ये कभी सुननी पड़ती है? जब शादी खुशी जब होती है फिर रेस्ट कर लेते हैं, वो वीक नहीं करते हम। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइएगा मुझे, ख़ासतौर पर हमारे यहाँ, ख़ासतौर पर मैंने खुद मुल्तान में ऐसा देखा, एक आर्टिस्ट पब्लिसिटी करवा लेती, उसके बाद वो दौरान ड्रामा गायब हो जाती है। ये यहाँ तक देख लीजिए, क्योंकि जुम्मे का दिन या तो नहीं तो हफ्ता इतवार में वो छोड़ देती है ड्रामा, चली जाती। तो क्या ऐसा क्यों करती हैं ये? इसकी वजह उनको ये नहीं होता भी हम ना जाने से हम मुतासर होते हैं, हमारी फील्ड जो है वो? तो आर्टिस्ट की कोई मजबूरी होती है तो फिर ड्रामा छोड़ के जाती हैं, ऐसे तो नहीं जा सकती है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे आप कह रही हैं भी जिस दिन फारिग होना और टाइम देना तो आप ड्रामा ही ना करें, वो वीक पूरा रेस्ट कर लेते हैं ना फिर? तो अक्सर नहीं करती, मैं इसलिए पूछ रहा, काफ़ी ऐसा करती हैं तो? हाँ जी, काफ़ी हैं जो इस तरह कर लेती हैं। अच्छा अच्छी, बताइएगा कौन सी ऐसी अदाकारा हैं जो आपको ज़ाती तौर पर बड़ी अच्छी लगती हों, पसंद भी हों? मैडम नरगिस। अच्छा, तो आप इससे क्या की साथ, कभी इसके साथ नरगिस जी के साथ काम करने का मौका मिला? जी बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा अच्छा, तो डांस में क्या आप किस आर्टिस्ट को पिक करती हैं ज़्यादा ख़ास तौर पे? भाई जहनी तौर पे जब परफॉर्म करती हैं जी, फिर जैसे आपने नरगिस बतलाया तो उसको पिक करके उसको जहन में रखे, हाँ जी उससे मुतासर होकर मैं काम करूँ? नहीं, मतलब मैडम नरगिस का और नीरा चौधरी का बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, और दूसरा ये कि मैं किसी को पिक नहीं करके काम करती, मैं अपना ज़्यादा अपना ही खुद जो मेरे हैं सॉन्ग जिस तरह मैं करती हूँ, सराय की सॉन्ग मैं ज़्यादा करती हूँ, वो बस वही करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये स्टेज ड्रामों के साथ साथ कभी वीडियो मॉडलिंग या कभी दूसरे कोई शो फिल्म कोई सराय की कोई वो की है आपने? बिल्कुल, सराय की फिल्म भी मैंने बहुत सारी की हैं। हाँ, सिनेमास्कोप जो बड़ी फिल्म होती है वो भी मैंने की हुई है। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी की है वो? मतलब मुल्तान की इलाकाई हैं या बाहर की? एक तो इधर मुल्तान में की थी, फन्ने खां फिल्म थी। जी 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 जी, जवार साहब जी, चौधरी रियाज साहब प्रोड्यूसर जवार साहब थे और उन्होंने काम करवाया था मुझे, वो मैंने की थी। और बाकी मैंने इधर सराय की फिल्में इधर रहीम यार खान वाली साइड पे दो तीन उधर की हैं, एक भावलपुर में की है, इस तरह काफ़ी मतलब। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो उसका अगर आपको वो हासिल ना हो उसको क्या रिएक्शन होता है उसका? जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मुझे छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, वो उसको हासिल हो जाती है? हासिल हो जाती है। अच्छा अच्छा, पसंदीदा खानों में शौक से? वेजिटेबल्स। अच्छा अच्छा, खा लेती हैं आप? और ड्रेस पसंदीदा कलर या मतलब कोई ऐसा? बाज अक्सर होते हैं काम वाम वाले होते हैं, वजनी होते हैं, या एक होते हैं हल्के फुल्के बड़े अच्छे उसको? तो ज़्यादा मुझे कलर में तो रेड और ब्लैक कलर पसंद है। जी जी जी। और दूसरा क्या पूछा है आपने? ये इसका क्या नाम है तो इसका, ये काफ़ी होते हैं बड़े काम वाम वाले ड्रेस होते हैं? ज़्यादा हैवी ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तो इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह या उसको क्या उसको करती हैं आप, किसी आर्टिस्ट वगैरह को देख के या कोई हमारे डिजाइनर होते हैं? कभी लाहौर से बनवा ली, कभी मेरे खुद का मतलब है, मैंने बुटीक है मेरी, उधर से मतलब खुद ही दिया और बनवा लिया। पहले मैंने बुटीक का काम किया, वही कारीगर है जो मेरे पास काम करता था, फिर उसी से बनवा लेते। अच्छा, लाहौर में स्टेज करने का कोई इरादा नहीं अभी? नहीं, इधर ही ठीक है बस, दिल्ली इधर लगा बात होता है। वहाँ बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे अक्सर आर्टिस्ट हैं जो जाती हैं जी लाहौर में जाके बड़े आर्टिस्टों के साथ काम, लाहौर में काम करने जाएं, लेकिन अभी फिलहाल इधर ही ठीक है, घर से घर गए सुकून से। आप ख्वाब देखती हैं ज़्यादातर किस किस्म के ख्वाब आप देख लेती हैं, क्या वो सच्चे भी होते हैं या ऐसे ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं? मुझे बहुत कम ख्वाब आते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा? बहुत कम आते हैं। ये बताइए, कोई शोबिज़ की फील्ड में अक्सर हीरोइनों को जो अदाकारा है उनको खुश करने के लिए जो लोग होते हैं चापलूसी कर लेते हैं, जी राहिल आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, ये है वो है, तो
तो उसमें क्या आपको इस बात का पता होता है ये वाकई सही तारीफ कराई या बाबा ऐसी झूठी तारीफें कर रहा है, कोई अंदाजा लगा लेती इस बात का? जी मैं लगा लेती, मुझे पता लग जाता है, और जो मेरी झूठी तारीफ कर रहा हूँ मुझे वो भी पता लग जाता है। मैंने मुझे मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम है वो बोलो। जी जी हाँ, तो मजीद क्या इरादे हैं आपके स्टेज पे, इसको यहीं मुल्तान में रह के इसको मजीद आगे बढ़ाएंगी या कभी इसको एक वक्त में छोड़ भी सकती हैं? इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा एक बीच में एक सवाल है, ये बताइएगा कभी दौरान स्टेज की आर्टिस्टों के दौरान कभी कोई बात दफा गाने पे या इस तरह का कोई बात कभी कोई फड्डा हुआ, गालम गलोच या कभी कोई मारा पिटाई तक कभी बात ऐसी पहुँची है? नहीं, मेरी किसी के साथ आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा चलें ठीक है। दूसरा ये बताइएगा आखिर में हमारे एक नाज़रीन को कोई ऐसा कोई शेर या कोई ऐसी अच्छी बात बताइएगा जो एक सबक भी हो और उसमें जो वो सुनना पसंद करें, पब्लिक को पैगाम दें उसमें, या कोई शेर या उनको नसीहत कोई आपके जहन पर जो भी हो वो ज़रा दे दीजिएगा। मैं ये कहूँगी कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमें एक तो दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हर टाइम, और दूसरा जो इस फील्ड में हम हैं तो हमारे जो सीनियर हैं उनकी कदर करनी चाहिए, और जो जूनियर हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और जो हमारे सीनियर हैं उनको भी चाहिए कि जूनियर का ख्याल करें। ठीक है जी, अपना राहिला जी बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, तो बड़ा शुक्रिया जी। नाजरीन अब हम जल्द मुलाकात होगी आपसे वेब चैनल मीडिया नेटवर्क न्यूज़ के प्रोग्राम हम और आप में एक नए मेहमान के साथ, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।